हेलो स्टूडेंट, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज अपने कंपटीशन एग्ज़ाम चलते आते रहते हैं, रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, उसमें ग्रामर का कुछ ना कुछ पार्ट आता ही रहता है। तो हम ग्रामर की सीरीज़ के अंदर आज अपन मॉडल्स और एक्सिलरीज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ये केवल एक शुरुआत है, धीरे धीरे हम केवल बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में बेसिक्स के बाद में इसके जो मेन रूल है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, एक्सिलरीज एंड मॉडल्स। देखो, मॉडल्स को ही एक्सिलरीज कहते हैं, ये आजकल के आधुनिक जो ग्रामरियन है वही इस बात को कहते हैं। लेकिन पुरानी अपन ग्रामर की बात करें तो जितनी एक्सिलरीज कौन कौन सी है, तो हमारे पास में जो बी की फॉर्म है, अब बी की फॉर्म कौन कौन सी हो गई, थोड़ा यहां ध्यान दें। बी की फॉर्म प्रेजेंट के अंदर इज, एम, आर, और पास्ट के अंदर कौन सी हो गई, वॉज और वर। क्लियर, ठीक है ना? तो ये हो गई। अब बी क्या है, इसमें क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, और इसके अलावा एक्सिलरीज कौन सी होती है, हैव होती है और डू होती है। व्हेन यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब्स, जब इनके साथ हम ऑर्डिनरी वर्ब्स यूज करते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब का मतलब हो गया हमारा V1, ठीक है ना, या V3 या ING फॉर्म, इसे अपन ने ऑर्डिनरी वर्ब कह दिया। टू मेक टेंस, इससे क्या बनता है, टेंस के अनुसार चलते हैं, पैसिव फॉर्म्स के अनुसार चलते हैं, क्वेश्चंस के अंदर बन रहे हैं योर नेगेटिव्स के अंदर बन रहे हैं। आप थोड़ा सा ये सोचेंगे कि अरे यार ये सर ने क्या स्टार्ट कर दिया, वापस समझो इसी को। इसके साथ मैंने अगर ING फॉर्म लगाई तो क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। आई एम राइटिंग, तो एम राइटिंग हो गया, ठीक है। वॉज के साथ में ING लगाया तो क्या बन गया, वो ही पास्ट कंटिन्यूअस, ही वॉज प्लेइंग, वॉज और प्लेइंग हो गया। अब वापस इसी के साथ में अगर मैं थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ तो समझो द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इज और सॉल्व्ड हो गया, थर्ड फॉर्म आ गई तो क्या बन गया, पैसिव फॉर्म बन गया। अब यहाँ देखो क्वेश्चंस और नेगेटिव कैसे बनते हैं, डू के साथ बना लो, इसके साथ ही बना सकते हैं। इज ही वर्किंग, क्या वह काम कर रहा है, इस तरीके के सवाल, समझ में आई ये लाइन्स। देखो आगे द वर्ब कौन कौन सी है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑट आर कॉल्ड मॉडल्स। इन्हें अपन क्या कहते हैं, मॉडल्स वर्ब कहते हैं, ठीक है, या इन्हें अपन मॉडल्स ही कहेंगे, या तो मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स कहेंगे। दे आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन। अब यहां पर ऑर्डिनरी वर्ब कौन सी हो गई, केवल V1। ऑर्डिनरी वर्ब क्या हो गई यहां पर, अभी केवल V1, ठीक है। और क्या करते हैं, एक्सप्रेस से, एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन, इसके मीनिंग्स कुछ एक्सप्रेशंस निकलते हैं, जैसे कि परमिशन वाला भाव हो गया, पॉसिबिलिटी वाला भाव हो गया, संभावना वाला, सर्टेनिटी वाला और नेसेसिटी वाला भाव हो गया। लेकिन कहीं कहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, वो अपन बाद में पढ़ते चलेंगे। ऑर्डिनरी वर्ब के अंदर V1 समझो यहाँ पर केवल। दूसरा नीड और डेयर, ये दो भी मॉडल कहलाते हैं, कैन समटाइम बी यूज लाइक मॉडल, ये कभी कभी मॉडल की तरह बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, और कभी कभी ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, मेन वर्ब की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे आई डू नॉट नीड ईट एनी मोर, मुझे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। आई डू नॉट नीड एनी फूड, मुझे और फूड की ज़रूरत नहीं है। आई डू नॉट नीड एनी थिंग टू कम्प्लीट द वर्क, मेरे पास और किसी की ज़रूरत नहीं है इस काम को ख़त्म करने की। डेयर की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये करने की, हाउ डेयर यू टू टच माई मोबाइल, मेरे फ़ोन को टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तो यहाँ पर नीड और डेयर हम कह सकते हैं, सेमी मॉडल भी कह सकते हैं। देखो यही अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, सेकेंड ग्रेड का क्वेश्चन हो गया या फर्स्ट ग्रेड में आ गया, कि फाइंड आउट सेमी मॉडल, सेमी मॉडल कौन कौन से हैं, तो नीड और डेयर हो गए। ओके, नेक्स्ट, मॉडल्स आर ऑफन इंक्लूडेड इन द ग्रुप
ऑफ एक्सेलरीज अक्सरतया, ऑफन मतलब अक्सरतया शामिल कर दिए जाते किसके अंदर, एक्सेलरीज के अंदर, ठीक है। इन सम ग्रामर्स, कुछ कुछ ग्रामर्स के अनुसार दे आर कॉल्ड मॉडल एक्सेलरीज, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉडल एक्सेलरीज कहते हैं। आ गया यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट, द मॉडल्स कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट एंड ऑट आर टर्म्ड डिफेक्टिव वर्ब्स, ये डिफेक्टिव वर्ब्स कहलाती। एग्जाम में एमसीक्यूज में आ जावे, मान लो फर्स्ट ग्रेड में आ गया, सेकंड ग्रेड में आ गया, या किसी में क्वेश्चन आ गया, रीड में आ गया, मान लो कि डिफेक्टिव वर्ब्स को ढूंढ के बताइए, तो आपके डिफेक्टिव वर्ब्स ये हो गए, यहाँ पर ये दोनों नहीं होगी, फिर ये यहाँ तक ही हुई, बिकॉज क्योंकि सम पार्ट्स आर वॉन्टिंग इन दैम, इनमें कुछ ना कुछ चाहिए ही होता। कभी भी कोई भी सेंटेंस हम जानते हैं कि वर्ब के बिना नहीं बनता, समझ में आ गई, ये कभी भी आपकी मेन वर्ब नहीं होगी, आई कैन आगे कुछ नहीं, आगे उसके आगे आपको वर्ब लगानी ही पड़ेगी, इसीलिए इसको लिए कहा कि सम पार्ट्स आर वॉन्टिंग इन दैम, उन्हें कुछ पार्ट की जरूरत होती है। दे हैव नो एस, इनके पास में कभी भी एस नहीं लगा सकते, जैसे द बॉय, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, यही समझिए, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आई और वी, हम कौन से हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए, आप जो मेरी बात सुन रहे हो क्या हो गए, सेकंड पर्सन, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे वह, या वस्तु के बारे में बात करेंगे वह हो जाएगा थर्ड पर्सन, तो द बॉय एक थर्ड पर्सन हो गया। इसके आगे अगर मैं कैन लिख रहा हूँ और इसके आगे अगर एस लगा रहा हूँ तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये गलत कहलाएगा, इसलिए इसके आगे एस का प्रयोग नहीं करते, किसी भी मॉडल के आगे एस का प्रयोग नहीं करते। इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन दे हैव नो इन्फिनिटिव एंड आईएनजी फॉर्म, कभी भी इनके बाद में ऐसे नहीं लिख सकते, दे कैन, सॉरी द बॉय कैन टू, ऐसे कभी नहीं लिखेंगे, या इसको भी कभी ऐसे नहीं लिखेंगे टू कैन, ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है, तीनों ही फॉर्म गलत है, समझ में आ गई। अब अपन पढ़ते हैं इसी के अंदर एक्सेलरीज, जब हम पढ़ रहे हैं मॉडल एक्सेलरीज, तो सबसे पहले अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इन तीनों सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं बी के लिए, क्लियर। द एक्सेलरी बी इज यूज्ड, पहला पॉइंट क्या हुआ इसके अंदर, इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन में होना, बी की फॉर्म क्या हो गई, इज एम आर वॉज और वर, समझ में आ गया यहां तक, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया, कौन से फॉर्मेशन में, कंटिन्यूअस टेंसेस के फॉर्मेशन में, जैसे ही इज वर्किंग, आई वॉज वर्किंग, समझ में आ गई ये चीज। दूसरा पॉइंट, इन द फॉर्मेशन ऑफ द पैसिव, पैसिव फॉर्मेशन के अंदर, एग्जाम्पल द गेट वॉज ओपन, ये वॉज हो गई और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, समझ में आ गया यहां तक, आगे बढ़े। हम बी की फॉर्मेशन में पढ़ रहे थे बेटा, तो बी के बारे में पढ़ रहे थे, बी का एक पॉइंट अपन ने पढ़ चुके हैं, आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। बी फॉलोड बाय द इन्फिनिटिव इज यूज्ड, अब इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, टू प्लस वी वन को, इसके पूरा का पूरा सेपरेट एक चैप्टर है, वो अपन अपने अगली जो क्लास होगी, अगला जो पार्ट होगा उसमें हम इसको पढ़ेंगे। तो इन्फिनिटिव के अंदर टू प्लस वी वन आना, तो उसके अंदर कुछ रूल्स हैं, ध्यान से समझे। टू इंडिकेट ए प्लान, एक प्लान को दर्शाने में, एक अरेंजमेंट को दर्शाने में, एक एग्रीमेंट को दर्शाने में, जैसे आई एम टू सी हिम टुमारो, मुझे उसे कल मिलना ही है, ठीक है, वी आर टू मैरिड नेक्स्ट मंथ, हमें अगले महीने शादी करनी ही है, क्लियर।
दूसरा पॉइंट टू डिनोट कमांड, ये कब आएंगे जब टू का प्रयोग कर रहे हैं, टू प्लस वी वन का प्रयोग, टू के बाद में हमेशा याद रखो वी वन का प्रयोग करते हैं। टू डिनोट कमांड, कमांड को दर्शाने में, जैसे यू आर टू राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर, आपके हर शीट ऑफ पेपर के ऊपर नाम लिखना है, लिखना पड़ेगा, ये कमांड हो गया, ये आदेश हो गया। तो दो पॉइंट हो गए यहाँ पर, पहला पॉइंट तो हो गया टू इंडिकेट प्लान एग्रीमेंट और अरेंजमेंट, दूसरा प्लान, दूसरा क्या हो गया कमांड वाला भाव हो गया। नाउ बी, बी का अगला पॉइंट क्या हो गया, बी इज यूज्ड इन द पास्ट टेंस, बी का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं विद परफेक्ट इन्फिनिटिव्स के साथ में, किसके साथ में, परफेक्ट इन्फिनिटिव्स के साथ में। टू इंडिकेट एन अरेंजमेंट, यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनिटिव का मतलब हो गया बेटा भूतकाल यानी कि पास्ट। टू इंडिकेट द अरेंजमेंट दैट वॉज मेड, कि भूतकाल में कभी कोई अरेंजमेंट हुआ था लेकिन उसे हम वर्तमान काल में नहीं लेकर आए, जैसे दे वर टू हैव बीन मैरिड, उन्हें ये आपका क्या हो गया परफेक्ट इन्फिनिटिव हो गया। परफेक्ट इन्फिनिटिव का मतलब ही होता है टू प्लस हैव बीन प्लस वी थ्री, मैरिड लास्ट मंथ, पिछले महीने वह शादी करने वाले थे लेकिन उन्हें शादी पोस्टपोन करनी पड़ी थी। आ गया समझ में, ये हो गया आपके बी की फॉर्म का सारा। अब अपन बात करते हैं हैव के बारे में। द एक्सिलरीज हैव इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द परफेक्ट टेंसेस, कौन कौन से हो गए, पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही हैज वर्कड, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो दो हो गए भाव, एक में तो वर्क की थर्ड फॉर्म लगाया, एक में ing फॉर्म लगाया। नाउ हैव टू इज यूज्ड विद द इन्फिनिटिव टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, जब हैव और हैज इसके साथ में टू का प्रयोग कर रहे हैं, ये इन्फिनिटिव, इस टू का प्रयोग कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाएगी, बाध्यता का भाव आ जाएगा, नहीं यार करना का करना ही पड़ेगा, जैसे ट्रैफिक रूल्स मानने ही पड़ेंगे, हेलमेट लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसे जब केसेस हो जाते हैं तो उसके अंदर हमारे ऊपर बाध्यता आ जाती है, समझ में आ गई। जैसे आई हैव टू बी देयर, मुझे वहाँ 5 बजे होना ही था, समझ में आया। द पास्ट फॉर्म ऑफ हैड टू की पास्ट फॉर्म, जो ये भूतकाल की बाध्यता को दर्शाता है, किसकी बाध्यता को भूतकाल की बाध्यता को दर्शाता है। जैसे आई हैड टू बी देयर, मुझे वहाँ होना ही था, बी देयर। नाउ इन नेगेटिव्स एंड इंट्रोगेटिव्स, हैव टू एंड हैड टू आर यूज्ड विद डू डज डिड, इनके साथ में यू प्रयोग करेंगे, ये इनकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। जैसे दे हैव टू गो, तो यहाँ पर क्या हो गया, डू नॉट हो गया और हैव हो गया और गो टू हो गया। अब आपके एग्जाम में अगर MCQs क्वेश्चन आ गए और उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं अपने कॉम्पिटिशन के अंदर, तो उसमें ये लिखा हुआ डू लिखा हुआ, यहाँ पर आप हैज लिख दिया तो रॉन्ग हो गया, यहाँ डज आ गया दे के साथ में डज आ गया तो भी रॉन्ग हो गया। जैसे यहाँ देखो ही हैज़ टू, तो ही डज नॉट हैव टू होगा, यहाँ पर हैज का हैव में बदलेगा, ये भी ध्यान रखो। हैड टू किसमें बदलेगा, डिड जैसे लगाया यहाँ पर हैव टू में बदल जाएगा, और जैसे कैसे इसके अंदर आ जाएंगे, समझ में आ गई। अब इसी फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं इसके बाद में डू का प्रयोग करना, किसका प्रयोग करना, डू वाले का भाव, डू एक्सिलरीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। हमने तक बी और हैव दोनों को पढ़ लिया, अब अपन पढ़ रहे हैं डू के बारे में। एक्सिलरी डू इज यूज्ड, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब डू के बारे में बात कर रहे हैं। डू इज यूज्ड टू फॉर्म द नेगेटिव और इंटरगेटिव, नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के अंदर, कौन से टेंस के अंदर, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अंदर, ठीक है। अगर आपको ये टेंस वाला वीडियो देखना है, इसके बारे में जानना है, तो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें जाकर आप टेंस के बारे में देखें ऑर्डिनरी वर्ब के साथ में, ठीक है ना। पुराना वीडियोस देखें जिसमें दिनेश उथार लिखा हुआ, उसको देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखो, ही डज नॉट वर्क, ही डिड नॉट वर्क, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये पास्ट का हो गया और ये प्रेजेंट का हो गया।
Does he work? Did he work? Clear? To avoid repetition, बार बार किसी verb का ordinary verb का repeat होना repetition को ये हटा देता है. जैसे यहाँ देखो, do you know him? अगर मैं इसका आंसर दूंगा yes I know him, तो ये जो verb है ordinary इसका बार बार repetition को रोकता है. तो मैंने क्या बोला, yes I do. ये अपने इस competition के exam में बहुत सारे आते हैं ऐसे questions, small small आते हैं ये. She sings well, yes she does. मैंने ये देखा और इसी के बाद में पूछ लिया क्या वो अच्छा गाती है, यस हाँ यार अच्छा गाती. तो उस गाती शब्द को रिपीट ना हो इसके लिए हमने क्या लगा दिया, डज का प्रयोग कर लिया. यू मेट हिम डिडंट यू, क्या तुम उससे मिले, तुम उससे मिले हो, क्या तुम उससे नहीं मिले हो, तो क्या तुम उससे नहीं मिले हो, उस मिले शब्द को हटाने के लिए हमने डिंट का इस डू का एक्सरसाइज का वर्ड का यूज किया. डू इज ऑल्सो यूज टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना. The affirmative nature के अंदर of a statement, एक statement के अंदर. जैसे you do look pale, अब आप बच्चों ये कहोगे कि do के बाद में आपने सर न तो नोट लगाया और verb की first form लिख दी, ये वाला you do look pale, तुम थोड़े पीले दिखाई पड़ते हो, इसका आंसर ये है. I told him, मैंने उससे कहा था कि तुम मत जाओ, but he did go, लेकिन वह फिर भी गया. कभी कभी आपसे कोई पूछ लेता ना अंग्रेजी में, बताओ मैं स्कूल जाता तो हूँ कि अंग्रेजी क्या होगी, तो इसका इसके अंदर क्या होता है, ये हेल्पिंग, ये जो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में मेन वर्ब जोड़ दो. जैसे आई डू गो स्कूल, आई डू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता तो हूँ, यही तो उसने कहा. उसको मना किया नहीं जाना है, फिर भी वह जाना तो पड़ा उसको, ठीक है. इन द इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, सेंटेंसेस वाला एक वीडियो मैंने बना रखा, उसके अंदर जाके देखें उसको वीडियोस, उस सेंटेंस वाले के अंदर. इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बेटा, थोड़ा देख लो. इम्परेटिव के अंदर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है. कमांड वाले सेंटेंसेस, सजेशन वाले सेंटेंसेस इसमें आते हैं, क्लियर. तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में डू मेक्स रिक्वेस्ट और इन्विटेशन मोर परसुएसिव, ज़्यादा जवाब दबाव दिया जाता है. ऐसे केसेस के अंदर डू स्ट्रॉन्गली स्ट्रेस करता है. डू बी क्वाइट, बिल्कुल चुप रहो. ओ डू कम, अरे आ जाओ, इट्स गोइंग टू बी सच फन, बहुत अच्छा फन होने वाला है. तो ऐसे जो भावार्थ होते हैं उसमें ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है. ये आपके हमने एक्सिलरीज के बारे में बात की, जिसमें बी की फॉर्म बात की, फिर हैव, फिर डू की बात की. अब हम अगले अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मॉडल्स के बारे में. एक एक मॉडल उठाएंगे, कैन कुड मे माइट वाले सारे मॉडल्स पढ़ेंगे, उसके एक्सरसाइज करते जाएंगे, ठीक है. स्टूडेंट्स गुड डे एंड गुड बाय, वॉच द वीडियो एंड प्लीज शेयर द वीडियो, अगर लाइक कर लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना, क्लियर. और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे बेनिफिट्स उठा सकें, क्लियर. और चैनल है दिनेश सुथार, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.